तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेंचैन अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक स्लैश अटैक उस पर्सन के ऊपर करता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। पर इसके बावजूद ब्लड एसेंस पिल की वजह से उस पर्सन को वहां पर ज्यादा डैमेज नहीं होता है और अब वह पर्सन सोचने लगता है जल्द ही ब्लड एसेंस पिल का असर खत्म हो जाएगा, जिसके बाद मैं यहां पर प्रॉब्लम में फंस सकता हूं, तो मुझे उससे पहले ही क्वेंचैन को मारना होगा। और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए क्वेंचैन के चारों ओर एक डेथ रैलम बनाते हुए उसे उसके अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद वह अपनी फुल स्पीड में क्वेंचैन के चारों ओर घूमने लगता है और बोलता है कि बच्चे, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस मार्शल किंग रैलम की है और मैंने तुम्हें जिस डेथ रैलम के अंदर कैद किया है वह मार्शल एम्परर रैलम का है, तो अब तुम इसके अंदर तड़प तड़प कर मरोगे। तभी क्वेंचैन हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम इस मामूली से डेथ रैलम के अंदर कैद करके मुझे मार सकते हो? और अब वह अपने चारों ओर एक गोल्डन बैरियर बनाता है और अब वह उस डेथ रैलम को उस गोल्डन बैरियर से घेर लेता है, जिसके बाद वह स्वॉर्ड वर्ल्ड को एक्टिवेट करता है। अब स्वॉर्ड वर्ल्ड के एक्टिवेट होते ही काफी पावरफुल स्वॉर्ड उस गोल्डन बैरियर के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर वह गोल्डन बैरियर उन स्वॉर्ड्स को अपने पार जाने देता है, जिससे वह सभी स्वॉर्ड्स सीधा आकर उस डेथ रैलम के बैरियर से टकराते हैं और अब इस वजह से थोड़ी ही देर में डेथ रैलम वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर उस पर्सन के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बस मार्शल किंग रैलम पर मौजूद हो तो तुम यहाँ पर मार्शल एम्परर रैलम के बैरियर को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? तभी स्वॉर्ड वर्ल्ड के वह सभी स्वॉर्ड्स काफी तेजी से उस पर्सन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखते ही वह पर्सन अपने सामने एक शील्ड बनाते हुए उन सभी स्वॉर्ड्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तभी क्वेंचैन उन स्वॉर्ड्स की पावर को बढ़ाता है, जिससे वह पर्सन वहां पर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब यह सब देखकर उस पर्सन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और अब वह वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। तभी अचानक से उसके सामने दो पोर्टल्स खुलते हैं और अब उन दोनों पोर्टल्स के अंदर से हसल मैन के दो वेपन काफी तेजी से उस पर्सन के ऊपर अटैक करते हैं, जो देखते ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जगह पर रुकते हुए उन वेपन्स के अटैक से बचता है। तभी उसके ऊपर आते हुए हसल मैन जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लग रहा था तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? तो अब तुम्हारे मरने का टाइम हो गया है। यह बोलते हुए हसल मैन उस पर्सन को अपने एक बैरियर के अंदर कैद करके धीरे धीरे उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी वह पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, सपने देखना बंद करो, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। और अब वह अपनी पूरी पावर को फ्लाइंग स्वॉर्ड पिल के अंदर डालते हुए वहां पर एक जाइंट स्वॉर्ड को समन करता है और अब वह स्वॉर्ड काफी तेजी से अटैक करके हसल मैन के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर हसल मैन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वह पर्सन पीछे मुड़ते हुए अपने उन सभी फ्लाइंग स्वॉर्ड पिल को कंट्रोल करते हुए काफी तेजी से क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही क्वेंचैन अपने सामने एक थंडर बैरियर बनाते हुए उन स्वॉर्ड्स को ब्लॉक कर लेता है और अब वह रस्टी स्वॉर्ड के साथ अपने थंडर ब्लड लाइन की पावर को मर्ज करते हुए उन सभी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स की एनर्जी को खत्म कर देता है, जिससे वह सभी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर उस पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरे फ्लाइंग स्वॉर्ड्स की एनर्जी को खत्म कैसे कर सकते हो? उसी वक्त क्वेंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड से काफी तेजी से अटैक करके उस पर्सन को बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिससे वह पर्सन सीधा नीचे आकर गिरता है और अब उसकी बॉडी के ऊपर से ब्लड एसेंस पिल का असर भी खत्म हो चुका होता है, जिस वजह से उसकी बॉडी मूव भी नहीं कर पा रही होती है। यह देखते ही हसल मैन उसके पास आता है और अब वह हंसते हुए बोलता है, फाइनली अब मैं तुम्हें यहाँ पर खा सकता हूँ। और अब वह थोड़ी ही देर में उस पर्सन की पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्वेंचैन उस पर्सन के स्पेस रिंग को अपने पास रख लेता है और उन सभी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को अपने पास बुलाते हुए उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, पर वह सभी फ्लाइंग स्वॉर्ड पिल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिस वजह से क्वेंचैन फर्स्ट ट्राई में उन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। तभी क्वेंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए दोबारा से उन सभी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अब रस्टी स्वॉर्ड की एनर्जी के कॉन्टेक्ट में आते ही वह सभी फ्लाइंग स्वॉर्ड जिस पिल के अंदर कैद होते हैं वह पिल वहां से गायब हो जाता है और अब वह सभी स्वॉर्ड क्वेंचैन के कंट्रोल में होते हैं, जो देखते ही क्वेंचैन उन सभी की पावर को वहां पर टेस्ट करता है
और बोलता है कि मैंने जितना सोचा था यह सभी फ्लाइंग स्वॉर्ड उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। पर मैं यहाँ पर यह सोच रहा हूँ कि आखिर उस पर्सन को यह फ्लाइंग स्वॉर्ड मिले कहाँ से। खैर जाने दो, अब यह फ्लाइंग स्वॉर्ड मेरे पास है और फ्यूचर में यह मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं, जिसके बाद वह अपने पास से अपने डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को बाहर निकालते हुए हसलमैन को दोबारा से उसके अंदर बुलाता है, जो देखते ही हसलमैन बिना कुछ बोले डीमन रिफाइनिंग फर्नेस के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर मास्टर जाओ और नांग वांग क्वेंचैन के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि अब तक काफी टाइम बीत चुका होता है पर क्वेंचैन अभी भी उनके पास नहीं पहुंचा होता है। तभी अचानक से क्वेंचैन उनके सामने आ जाता है, जो देखकर वह दोनों ही हैरान हो जाते हैं और अब वह बोलते हैं, मास्टर उस मार्शल एम्परर रैलम के पर्सन का क्या हुआ? क्वेंचैन बोलता है, मैंने उसे जान से मार दिया। यह सुनते ही वह दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं, पर मास्टर वह पर्सन तो मार्शल एम्परर रैलम पर था। क्वेंचैन बोलता है, तो क्या हुआ? वह मुझे मारने के लिए आया था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। तो अब हमें और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और अब क्वेंचैन सभी लोगों को अपने साथ लेकर वहाँ से आगे जाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।